जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके सामने एक नई औषधि लेकर के आए हैं। मैंने आपको चार औषधियों के बारे में बताया, उनके गुणों के बारे में आपको बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनको अब आप मिक्स करके कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जानते हैं कि इनको अलग अलग यूज नहीं कर सकते हैं। बिना तले हुए खाना या ऐसे के कैसे भी यूज करना बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे यूज करना है हम बताते हैं आपको दोस्तों। करना क्या है आपको कि आलू यानी कि पोटैटो, धनिया, करेला और कड़ी पत्ता, इन चारों चीज़ों को आप पहले सफाई का ख्याल रखें यानी कि धो लें, इसे स्वच्छ पानी से अच्छे से धो लें इसको। इसके बाद इसे साफ़ बर्तन में कट कर लें, इनका छोटे छोटे टुकड़े बना लें इनके। फिर अगर आपके घर में जूसर हो यानी कि वेजिटेबल जूस निकालने वाला, तो उसमें इसको डाल करके इसका जूस निकाल लें। जूस में यानी कि आपका 250 ml अगर जूस है तो उसमें 200 ml पानी मिक्स कर दें दोस्तों। इसके बाद इसका सेवन आप करें, ये सबसे सही तरीका होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नेचुरल होंगी। आपको कोई भी एलिमेंट्स जो मिलेगा इसमें, जो भी आपको फायदे की चीज़ें मिलेंगी, जो हमने आपको बताई विटामिन्स वगैरह जो भी इसमें हैं, ये सारे आपको नेचुरल वे में मिलेंगी, आपकी बॉडी को नेचुरल बनाए रखेंगे दोस्तों। और अगर मान लो कि किसी के पास जूसर ना हो तो वो क्या करेगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, बस करना क्या है कि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलाइए और ऐसे बर्तन में रखिए जिसमें कि उबाल सके, और इसको उबाल लीजिए। उबाल करके छान दीजिए और जूस जो बचेगा यानी कि पानी जो बचेगा उसका सेवन कर लीजिए। हालांकि सबसे अच्छा होगा कि उसको कच्चा आप जूसर से जूस निकाल लीजिए, या अगर तीसरा तरीका है कि उसको कूट लीजिए, अगर आपके पास जूसर नहीं है तो उसे कूट लीजिए और इसके बाद उसे सूती कपड़े में रख करके निचोड़ दीजिए, जूस निकल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अगर आप जूस का सेवन करते हैं तो आपका मोटापा जो है एक महीने में 10 से 12 किलो तक कम हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल आपको बस हमने जो विधि बताई इसका ख्याल रखना है, ये जूस खुद ब खुद आपके मोटापे का ख्याल रख लेगा दोस्तों। नमस्कार, हम आपको एक और टॉपिक पर अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।